पूरा का पूरा मुझे लग रहा है थाईलैंड ही दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा यार यूनिक सा यूनिकनेस लग रही है, मतलब लग रहा है कि मैं बाहर आया हूँ। इतनी मजेदार है यार, जितनी देखो उतनी कम। और कभी ऐसे खुले में देखा अपने दारू मिलते हुए? ये लोकल मार्केट है यहाँ पे ज्यादातर, तो लोकल है मतलब कि बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ती है। ऐसे वीडियोस में देखा था और आज मैं इसको ट्राई करूंगा, तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार, आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं कैसे ट्रैवल किया था इंडिया से बैंकॉक में। ट्रैवल के साथ साथ उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले आप वो ब्लॉग देखें, क्योंकि उसमें सब इन्फॉर्मेशन है। अब आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे, तो होटल में मैंने चेक इन करवा लिया है। तो एक बार मैं आपको ना होटल टूर देता हूँ, क्योंकि होटल का टूर देना बनता ही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा होटल है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरू होता है, गेट है ये मेन, तो रूम नंबर है 3109। तो 31st फ्लोर है ये, तो और भी लंबे लंबे हैं, व्यू भी काफ़ी अच्छा, तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। शुरुआत होती है यहाँ से। ये आपका ब्रेड वगैरह आपको करने हैं, चाय पीनी है, या फिर आपको माइक्रोवेव करना है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे पर्सनल ये है कबर्ड, बाकी सब में बर्तन वगैरह हैं सारे, अगर आपको यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ये वॉशिंग एरिया है, और ये है आपका गैस, रेफ्रिजरेटर भी है, बाकी वॉशिंग मशीन है। और यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा वॉशरूम। तो ये है वॉशरूम, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे आगे जाएंगे तो ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। बाकी ये स्टडी टेबल है, और ये है सोफ़ा, तो यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। मतलब या ऐसे बैठा चिल किया, टीवी सामने सामने टीवी देखा और फुल ऑन मज़े किए। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है कि आप मतलब आप रेडी हैं देखने के लिए, तो वो है ये। सी गाइस, तो फाइनली व्यू आप देखिए एक बार, द व्यू इज ऑसम गाइस। ये है बेड सोने के लिए, और यहाँ पे भी व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी दिख रहा है बाहर। अभी क्या करता हूँ, जल्दी से थोड़ा बहुत फ्रेश हो लेता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट। यार मेन दिक्कत पता है क्या आ रही है यार वहाँ पे, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है, वो कौन सा फेस वॉश है, कौन सा क्या है। यार ये सब प्रोडक्ट हैं, मेरे को तो भाई समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ क्या है। ये शैम्पू तो वो लग रहे हैं, बाकी तो नॉर्मल है। यहाँ पे जल्दी से नहा लेता हूँ, आज मैं अभी वो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है। रेडी हो गया हूँ मैं, और देख सकते हैं आप, और अभी देखते हैं कुछ एक्सप्लोर करने चलते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह रख दिए हैं लॉन्ड्री के लिए, तो धोएंगे भी कपड़े खुद ही, बनाएंगे भी खुद ही, पहनेंगे भी खुद ही। अच्छा, तो ये है, तो अभी रेडी हो गया हूँ। व्यू तो यार मैं बार बार देखे बता कितनी बार दिखा दूँ आपको, बस जितनी बार दिखा रहा हूँ उतनी बार कम है, तो व्यू तो चलता रहेगा, देखते रहेंगे बड़े बड़े। तो देखते हैं, चलते हैं कुछ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को, क्या क्या है आसपास, आज एक्सप्लोरेशन का टाइम है तो वही करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। घूम फिर के मैं आ गया हूँ प्लैटिनम फैशन मॉल में, काफी बड़ा मॉल है ये, और यहाँ पे ज़्यादातर मेरे को जैसे लोगों के पास ना स्कूटियाँ मतलब कि मैक्सी स्कूटी दिख रही है, जैसे कि इंडिया में अभी रिलीज़ नहीं हुई है वो, तो वो सब दिख रहा है मेरे को, काफ़ी बैंगर है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट है गाड़ियाँ भी, चाहे स्कूटी की बात करें या फिर गाड़ी की बात करें, तो ऐसा है। इतनी मस्त लग रही है ना रोड देखने में, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया, मेरे को भी अच्छी लग रही थी देखने में रोड। और मॉल की एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या क्या है मॉल में। Driving through days and night. तो यहाँ से शर्ट्स वगैरह मैंने ली है अभी, तो शर्ट्स काफी अच्छी है, बहन के लिए ली है, तो अभी और देखते हैं कुछ सामान वगैरह। यार शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली है, मतलब रेट भी ठीक है, ज़्यादा महंगे भी नहीं, थोड़ी बहुत मैंने बार्गेनिंग करके कम भी करा लिया अपना, और
ये है सीन सारा, अभी देखते हैं और कुछ लेने का बनता है प्रोग्राम तो ठीक है, नहीं तो फिर नज़ारे देखते हुए जा ही रहे हैं, एंजॉय करने में जा ही रहे हैं। And I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. यार ये कवर की दुकान थी, कवर लिए मैंने यहाँ पे, यार काफ़ी डिफरेंट कवर्स हैं यहाँ पे, देखने में भी मज़ा आ रहा है इनको। तो मेरे पास तो आईफोन है नहीं तो इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ, और अदरवाइज आईफोन होता तो मैं ले लेता। तो थाईलैंड लार्जेस्ट होल सेल फैशन मॉल, हेयर इट इज़। तो शॉपिंग वगैरह कर लिए मैंने, आप कुछ खाने पीने का देखते हैं यार, जो कि पूरी मार्केट है यहाँ पे खाने की। वीडियोस में देखा था और आज मैं इसको ट्राई करूँगा, तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका। अच्छा है यार, काफ़ी टेस्ट बढ़िया लग रहा है। बाकी ये सी फूड है यहाँ पे, मार्केट है पूरी, ये मस्त है यार, और मतलब कि मज़ा आ रहा है, जूस पी रहे हैं, आ रहे हैं और मार्केट घूम रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसा सीन है, फुल ऑन वर्क भी चल रही है, और लोगों को देखें तो और मज़ा आ रहा है, वाइब है बेटा वाइब। यार चश्मे वगैरह मैंने ले लिया यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया है चश्मे, और रेट भी ठीक है 200, तो पैकिंग भी हो गई है, काफ़ी बढ़िया थे। और अभी देखते हैं और आगे क्या क्या शॉपिंग करनी है, आपको लग रहा है पूरा बैग को खरीद लूँगा। तो शॉपिंग वगैरह तो हमने पूरी कर ली है अपनी बढ़िया तरीके से, और अभी मैकडी में मैं आया हूँ और कुछ खाने पीने। तो मैकडी भी मतलब कि यार अभी बाहर जो है ना ज़्यादातर सी फूड है, और सी फूड मैं इतना खाता नहीं हूँ, तो अभी पहला दिन है तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो अभी क्या कहते हैं कि ना मैकडी का जो मैंने मंगाया वो आ रहा है बर्गर, ऑनलाइन पेमेंट है तो एक बार आता है फिर उसको ट्राई करते हैं। मेरी और मेरी करते हैं कंप्लीट जल्दी से, और फिर चलते हैं वापस होटल की तरफ जाएंगे, देखते हैं क्या करना है, और मार्केट वगैरह तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, घूमने फिरने में मज़ा तो आ ही रहा है, तो एक बार मेल खत्म करते हैं, भूख लग रही थी सुबह भी कुछ करते आया नहीं था, वो भी करते हैं खाते चलते हैं। बर्गर वगैरह खा लिया मैंने, अपना मील भी हो गई है मेरी पूरी, अब चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं और मार्केट में मैं क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो पेट तो मेरा फुल हो गया यार, आई एम फुल नाउ, तो अभी आगे चलेंगे देखेंगे। तो ये कुछ यूनिक है यहाँ पे मार्केट, तो यार इतनी मज़ेदार है यार, जितनी देखो उतनी कम, और कभी ऐसे खुले में देखा अपने दारू मिलते हुए। शॉपिंग वगैरह भी हो गई है, खाना पीना भी हो गया है, और काफ़ी मतलब कि बढ़िया है। पर यार यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जो लोग हैं ना वो काफ़ी नाइस हैं यार। तो बस शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब चलते हैं वापस होटल की तरफ, तो देखते हैं कुछ और होगा तो प्लान ठीक है, नहीं तो ब्लॉग एंड करेंगे होटल पर जाके, काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो यही है वाइब है बस। नहीं की है यार यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी भयंकर भयंकर है यार, कैब इतनी खतरनाक है, क्या ही बताऊँ यार। टॉप टुक टुक भी ले सकते हैं यहाँ से, बाकी ये यार पॉश एरिया लग रहा है मेरे को तो, ये पूरा देख रहे हो। होटल पे आ गया हूँ मैं अभी, और सामान जो लिया था वो 7-Eleven से लिया है, 7-Eleven जो है कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे। एक बार आप रात का व्यू देखिए रूम से, ये आ रही है ना वाइब, और ये हैं जो ये हैं किंग यहाँ के। तो यार ये व्यू के साथ ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड,
और जो यहाँ पे जो टुक टुक चलती है ना यार, बड़ी भयंकर है यार वो, तो मुझे तो लगा था नॉर्मल होगी, इतनी भयंकर आवाज़ होती है उसमें यार, LPG से चलती है और जैसे कोई स्पोर्ट्स कार चल रही होगी। तो ये था मार्केट, काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा और बहुत मज़ा आया। तो अभी क्या करना है ना, ब्लॉग तो करना है यहाँ पे एंड, अब आराम का टाइम हो गया, 10 बजने वाले हैं यहाँ के, और अभी करते हैं आराम और मैं मिलूँगा आपसे कल देखेंगे क्या क्या एक्सप्लोर करना है। तो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया, अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।